आगाज़ में आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया। जस्टिस अजज जावेद खराल एतराजी दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। इस पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बिल्कुल, साइफर ऑडियो लीक के मामले पर इमरान खान को एफआईए ने तलब कर रखा था और इस सिलसिले में इमरान खान ने इस तलबी के नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज आयद किया है। और एतराज में रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये लिखा है कि दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की बतौर एतराजी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अजद जावेद खराल इमरान खान की बतौर एतराजी दरख्वास्त पर कल सुबह 9 बजे समाअत करेंगे और इस हवाले से वकला को बजरिया मैसेज आगाह कर दिया गया है। दरख्वास्त में ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि एफआईए ने साइफर के मामले पर बयान कलमन करवाने के लिए 6 दिसंबर को इमरान खान को तलब किया है। इमरान खान को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए बेबुनियाद इंक्वायरी शुरू की गई है, जबकि तलबी के नोटिस में किसी कानून की पासदारी नहीं की गई, लिहाजा इस तलबी के नोटिस को कलदम करार दिया जाए। अब लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अजद जावेद खराल कल सुबह 9 बजे बतौर एतराजी दरख्वास्त पर इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। ठीक है, कल सुबह 9 बजे समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया अशफाक, हमें अपडेट कर रहे थे आप।